वफा, इस नेम को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है व्यूज़ लेने के लिए, कॉन्सेप्ट स्टूडियोज़ वाले मतलब व्यूज़ लेने के लिए। चलो वो तो उनके चैनल की बेस ही यही है कि वो मतलब अपने पास एक फ़ैन मेड टीज़र बनाते हैं, फ़ैन मेड पोस्टर बनाते हैं और अच्छा मतलब अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं, तो उनका तो कोई सीन नहीं है। लेकिन इससे पहले भी जो कई ड्रामा चैनल हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ ले रहे हैं। तो फाइनल मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे, क्या वाकई किंजा हाशमी और दानिश तैमूर का वफा ड्रामा आ रहा है जियो टीवी पर? तो ऐसा कोई ड्रामा नहीं आ रहा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट स्टूडियोज़ की आपको कोई भी वीडियो देखने को मिलती है तो बेसिकली वो ड्रामा नहीं आ रहा होता, वो उनकी फ़ैन मेड एक तरह की वीडियो होती है, उनका अपना आर्ट होता है, कोई रियल न्यूज़ उसमें नहीं होती। लेकिन उसके बाद व्यूज़ लेने के लिए जब ये कहा जाता है कि आप बताएं कि ऐसा ड्रामा आना चाहिए या नहीं, शायद ऐसा ड्रामा आ रहा है, तो वो बिल्कुल बेजा होता है। ये मेरी इस सीरीज़ के मुतालिक लास्ट वीडियो होने वाली है। और रही बात, मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट की थी कि कुछ मतलब एक वीडियो में मुझे काफ़ी बुरा भला कहा गया और काफ़ी ज़्यादा हद तक कहा गया, इवन के मेरे घर वालों के बारे में बात की गई है। तो मैं एक टीचर हूँ और मुझे अपनी हदूदों की हद का पता है। मैंने हमेशा क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट की है, ना कि मतलब मैंने कभी गाली दी है। तो क्या मुझे भी मतलब रिप्लाई में एक वैसी ही थोड़ी फिल्थी गंदी ज़ुबान वाली वीडियो बनानी चाहिए, मुझे भी रोस्ट करना चाहिए, या फिर मुझे अपना काम जारी रखना चाहिए और क्रिटिसिज्म जिस हद तक किया जा सकता है करना चाहिए किसी की दिल आज़ारी किए बगैर? या फिर आप जाकर उन्हें खुद जवाब दे सकेंगे कि कौन फेक वीडियो बनाता है, वो या मैं? और बाकी रही बात मेरे सोर्सेज की, तो मैं रिवील नहीं करता अक्सर, और मैं अगर उनसे पोस्टर्स लेता हूँ फेसबुक वालों से तो उनसे अच्छी दोस्ती है तो मैं लेता हूँ, मैं आपको कभी चैट भी दिखा दूंगा। मैं इन चीज़ों में जाना ही नहीं चाहता, बाकी न्यूज़ देता रहूँगा, आपको आगाह करता रहूँगा कि कौन से चैनल फेक वीडियोस बना रहे हैं, कौन से क्या कर रहे हैं। आप कम्युनिटी वाली पोस्ट देख लीजिएगा जिसमें मैंने एक ब्लाइंड आइटम दिया था कि आजकल काफ़ी फेक वीडियोज़ बन रही हैं। आपने मेरे नाम लिए बगैर ही ड्रामा कलेक्शन का नाम ले दिया, मतलब आपको भी पता था कि कौन फेक वीडियो बनाता और कौन मतलब रियल बनाता है। बाकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है उन्हें निकालने दे, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, काफ़ी नीचे गिरा चैनल, तो वो आपके अपने कामों की वजह से वैसा हुआ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बाकी अगर आपका बस चलता तो आप यही कहते कि ये भी आप करवा रहे हैं। बाकी दूसरे लोगों से कमेंट्स करवाना, गंदी ज़ुबान यूज़ करना, वो मैं नहीं कर सकता। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 2 साल लगे हैं, लेकिन मैं 2 मिनट में आपके लेवल तक नहीं गिर सकता। मुझे 2 मिनट लगेंगे मतलब गंदी वीडियो और गंदी ज़ुबान मतलब यूज़ करने में, लेकिन फिर वो मेरे और उसमें फ़र्क नहीं रह जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा। बाकी वफा, किंजा और दानिश का ऐसा कोई ड्रामा नहीं आ रहा। इन केस अगर कुछ भी ऐसा है तो मैं आपको बता दूंगा। मेरी वीडियो ये है कि छोटी मोटी न्यूज़ पे मैं नहीं बनाता वीडियो जब तक ऑथेंटिक हो और कोई बड़ी न्यूज़ ना हो। अब अलीज़ शाह ने एक नया ड्रामा साइन किया है तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक उसकी कास्ट या बाकी राइटर या डायरेक्टर का कन्फर्म नहीं होता। तो मैं आपको एक ऑथेंटिक पूरी न्यूज़ दिया करूँगा। बाकी इसलिए अगर आप चैनल को अभी तक इस पर हैं तो बाकी आप लॉयल फ़ैन हैं। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो कंपैरिजन कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा, और आपकी मर्ज़ी है कि आपने सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। वीडियो लंबी हो रही है, मुझे अभी दे इजाज़त, मिलता है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए